आज हम विश्लेषण करेंगे टाटा एलेक्स लिमिटेड के बारे में। मौजूदा समय में ये 9619 पे व्यापार कर रहा है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि टाटा एलेक्स में थोड़ा सा गिरावट आने वाला है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। FIs का इसमें निवेश कितना है, DIs कितना कर रहे हैं, सरकार का क्या स्ट्रेटजी है इस शेयर के प्रति, क्या सोचती है पब्लिक का क्या सोचना है, आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, शेयर के दाम कितने बढ़ेंगे या कितने घटेंगे आगे आने वाले समय में, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमने देखा कि इसमें प्रीवियस क्लोज 9788 का रहा है, लेकिन जब ये शुरू होता है तो इसका बहुत ज़्यादा घाटे के साथ ये शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है कि आपके लिए स्वर्णिम एक अवसर आ रहा है, मतलब ये खरीदने लायक आपके लिए ये जगह बना रहा है। इसलिए इसका इससे मुतल्लिक हम एक बहुत अच्छा आपको न्यूज़ भी देने वाले हैं। तो ये हेवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, बहुत काट छाट के हेवी डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रहा है। तो देखिए, शुरुआत में हम देखते हैं कि लगभग इसका यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसमें तेज़ी हमको शुरुआत में देखने को मिला। 9900 को ये क्रॉस कर गया थोड़ी देर में, 10 बजे से पहले ही। लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पे एक डूबता हुआ इसको दिखता है, जैसे 11 के आसपास आता है, 10:30 के आसपास, इसमें एक सडन स्पाइक हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से उसने क्या किया दोस्तों, इसने 9600 को अपना सर्वस्व मान लिया, अपना मेडियन, अपना जान प्राण सब मान लिया। यहाँ से उसने नया एक मेडियन तय करने की कोशिश की और इसी को देखिए, बड़ा शेयर कभी भी एकदम से रेंगता नहीं है, बड़ा शेयर हमेशा से एक मेडियन बनाने की कोशिश करता, यही उसका सबसे पहला मेडियन था और इसी को आगे लेके गया। लेकिन जैसे ही 1:30 बजने के करीब आया, तो 1:30 बजे के करीब इसने एक थोड़ा सा हल्का सा एक उछाल लाया, लेकिन ये उछाल उसके लिए बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन उसी के बाद इसने बाद में लगभग मार्केट क्लोज होने से थोड़ी देर पहले इसने फिर से उछाल दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहाँ से वो आगे बढ़ने वाला है। तो कुल मिला के आप इसमें अगर निवेश करना चाहते हैं तो ये सबसे सही समय है बाय करने का, क्योंकि इसको आप इतना कम रेट पे आप मिलने वाला है ना, यहाँ से सिर्फ ऊपर जाने वाला है। आगे आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे लगभग 26-27 तारीख तक इसका शेयर बढ़ जाएगा। यही समय से सही समय है, आप अगर चाहते हैं SIP करना वो भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर जो न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो न्यूज़ में क्या कहते हैं कि लिस्टिंग ऑफ 200 बोनस इक्विटी शेयर्स कैप्टन ने एबियंस ऑफ टाटा एलेक्स लिमिटेड। एबियंस का मतलब होता है किसको होल्ड पे रखना, इसको इनएक्टिव रखना या सस्पेंड रखना। तो मतलब ये हुआ कि 200 जो बोनस शेयर लेने वाले हैं, टाटा एलेक्सी देने वाले हैं, तो उसको कुछ समय के लिए होल्ड पे रखा है। अब आगे बात करेंगे हम कि इस कंपनी में आपको डिविडेंड पेआउट कितना देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए, शानदार 56.5% का डिविडेंड है इसमें, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए आप इसमें आंखें मूंद के इस शेयर पर भरोसा कर सकते हैं, भविष्य में आपके लिए ये सोना उगलेगा। अब इसमें प्रोमोटर्स की बात करेंगे, तो देखिए प्रोमोटर्स ने क्या किया, थोड़ी सी बिकवाली इसमें कर दी है। लेकिन FIs के बारे में अगर ध्यान देते तो दोस्तों, मैं क्यों इसके पीछे लगा हूँ, टाटा एलेक्स क्यों अच्छा है, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स मानते हैं कि ये शेयर वाकई में एक सोना के अंडा देने वाला शेयर है। इसलिए इसमें लगभग 2% का हमको उछाल देखने को मिल रहा है FIs की तरफ से। DIs की बात करेंगे तो DIs ने क्या किया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा बिकवाली कर दी है, थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा हल्का कर दिया है। और इसी के साथ साथ अगर पब्लिक के देखेंगे तो पब्लिक ने भी यही काम किया है, जैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर करते हैं ऑलमोस्ट पब्लिक भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करती है। लेकिन हमको FIs के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख के इसमें आगे निवेश करना चाहिए। तो अगले 2-3 दिन में इसका शेयर अच्छा खासा फिर जाने वाला है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है।